Good morning, students. This video is for class 6, 7th and 8th. And our topic is noun, which is the second chapter of our grammar book. Okay, so let's start. First of all, we will learn the definition of noun. What is a noun? Noun kya hota? English grammar mein it's a basic concept. नाउन के बारे में आपको पता होगा तो ही आगे आप ग्रामर में कुछ भी पढ़ पाएंगे. सो लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड एटसेट्रा. ओके, सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग. दिस इज अ वेरी कॉमन डेफिनेशन. यू ऑल नो दिस डेफिनेशन. सो किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, किसी थिंग, एनिमल और इवन नेम ऑफ of any feeling is known as noun, right? So first of all we learn the types of nouns. मतलब noun कितने प्रकार के होते हैं, जैसे name, place, thing, animal, ये सभी, इनको हम कैसे categorize करेंगे. तो types of noun first is proper noun, right? पहला हमारा type क्या है, proper noun. जैसे आपको नाम से ही समझ में आता है proper. क्या proper? Noun denotes the name of a particular person, प्लेस और थिंग. किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का पर्टिकुलर नाम, दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन, राइट. नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स कॉमन नाम. जैसे नाम से ही हमको समझ में आता है कि किसी भी थिंग, पर्सन, प्लेस का एक कॉमन नाम हो, जो सबके लिए एक ही यूज हो, दैट इज नोन एज कॉमन नाउन. नाउन डिनोट्स द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज नोन एज कॉमन नाउन. नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्सन, प्लेस को हम एक ही नाम देते हैं, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन. नाउन डिनोट्स अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. जो किसी कुछ पर्सन मिलकर एक ग्रुप बनता है उसको एक ही नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. नेक्स्ट फोर्थ वन इज abstract noun. Abstract noun, the name of a quality, idea, feeling, etc. is known as abstract noun. Means abstract noun की पहचान आप कैसे करेंगे? The noun, the name of the word which we cannot see, which we cannot touch. That name is known as abstract noun. मतलब हम जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसे words को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मतलब वो जस्ट वी कैन फील दैट ओनली, वी कांट टच और वी कांट सी, दैट नेम इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, करेक्ट. एंड लास्ट वन इज मटेरियल नाउन. मटेरियल मींस आपको हिंदी में भी पढ़ते होंगे, मटेरियल का मतलब कोई भी धातु, पदार्थ, दैट इज नोन एज मटेरियल नाउन. नाउन दैट डिनोट्स अ मटेरियल और अ सब्सटेंस. जो कोई धातु या वो पदार्थ को जो चीज दिखाती है, जो वर्ड जिसके लिए हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज मटेरियल नाउन. आई हैव रिटन हियर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नाउन्स, दैट लाइक प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन किसी भी, प्रॉपर का मतलब किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का एक प्रॉपर नाम, मतलब उसी का ही नाम, दैट इज जैसे आप पर्सन के लिए आप नाम यूज करें राम. रोहतक क्या हो गया, इज द नेम ऑफ अ प्लेस, मतलब पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो गया, रोहतक, दिल्ली, एटसेट्रा, जो भी आप लेना चाहें. रेड फोर्ट हो गया. तो ये किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में. नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के एग्जांपल जैसे बॉय, ट्री, फ्रेंड एटसेट्रा. मतलब बॉय मतलब कोई भी बॉय हो सकता है, उसमें किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहे, हम सिर्फ उसको एक नाम दे रहे हैं जो सभी को, जितने भी लड़के होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, बॉय. सभी ट्रीज, जितने भी ट्री हैं, हम किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे, नीम ट्री है या ये मैंगो ट्री है, हम सिर्फ कह रहे ट्री. तो ये क्या है, कॉमन नाम है, उन सभी का एक कॉमन नाम है ट्री का. फ्रेंड, आपके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, आप उनके लिए अलग अलग नाम बताते हैं तो वो प्रॉपर हो गया. अगर आप सीधा कहते हैं कि मेरे इतने फ्रेंड हैं तो वो फ्रेंड वर्ड क्या हो गया, कॉमन नाम, राइट. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन. जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो गया आपका क्लास. क्लास किससे बनती है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो उसको क्लास कहेंगे, एक स्टूडेंट बैठा हुआ तो हम उसको क्लास नहीं कहेंगे, तो वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम क्लास कहेंगे. जैसे टीम है, टीम क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. एक प्लेयर से तो टीम नहीं बनती, जो बहुत सारे प्लेयर होते हैं तो टीम बनते हैं, दैट इज नोन एज कलेक्टिव
आर्मी इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ सोल्जर. तो ग्रुप ऑफ जो भी ग्रुप से बनता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एग्जाम्पल हो गए ऑनेस्टी, सैडनेस, लव, पीस. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट. ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी. आप कभी ईमानदारी को देख सकते हैं क्या? आप उसको छू सकते हैं? नो. सैडनेस, उदासी, और लव, पीस, ये सब चीजें हम वी कैन फील दैट ओनली, वी कांट टच और सी देट. इस टाइप के जो भी नाउन होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट के कैटेगरी में आते हैं. लास्ट वन इज मटेरियल. मटेरियल में जैसे वाटर, मिल्क, गोल्ड, वुड एक्सेट्रा, जितने भी मटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? मटेरियल नाउन. राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ नाउन. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू लर्न इन दिस टॉपिक, दैट इज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल का मतलब आपको बताइए, काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज काउंटेबल नाउन. सभी तरह के नाउन हम बढ़ते हैं, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, और कुछ को ऐसे हम काउंट कर सकते हैं. तो विच वी कैन काउंट दैट नाउन्स आर नोन एज काउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक है, बुक को हम काउंट कर सकते हैं. पेन, फैंस, फ्रीज, स्टार ऑल्सो ए काउंटेबल नाउन. ओके, सो एटसेट्रा. ये सभी क्या है? इन सबको हम काउंट कर सकते हैं. सो ये किसमें आते हैं? काउंटेबल नाउन में. एंड नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं काउंट कर सकते, तो विच वी कांट काउंट. फॉर एग्जाम्पल सुगर है, मिल्क, पॉवर्टी, ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन. सुगर को हम नहीं गिन सकते, मिल्क को हम नहीं गिन सकते, पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी, हम इन चीज़ों को नहीं गिन सकते. और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल. हम उन चीज़ों को गिन नहीं सकते, ना हम उनको टच कर सकते, ना फील कर सकते हैं. तो अब जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके सामने आएंगे वो सभी किस में आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन में. और एक दूसरा तरीका आपको पहचानने का, आप नाउन के सामने के साथ एस या एस लगाइए, उसको प्लूरल बनाइए. अगर आपको लगता है कि इसके साथ एस या एस लग सकता है, इसका प्लूरल बन सकता है, तो वो काउंटेबल नाउन है. अगर प्लूरल नहीं बन सकता उसका, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट नाउन. इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज आपकी बुक में है वो सभी मैं आपको एज अ पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करूंगी. तो आपको केयरफुली पहले इसको सुनना है, वीडियो को देखना है, उसके बाद एक्सरसाइज आप अपनी बुक्स में फिल करेंगे. ओके ओके. टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.